आइए नाज़रीन, आज हम आपको कीमा बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हमें बहुत पसंद है, और यही रेसिपी जो है ये करेलों में भरने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए हमने 1 kg मिंस लिया है, 2 medium size अनियंस लिए हैं, 2 medium size टोमेटोज लिए हैं, 7-8 ग्रीन चिलीज की ज़रूरत होगी, और खूब सारा फ्रेश कोरिएंडर ले लें, 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon चिलीज, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1 teaspoon क्यूमिन सीड्स, और 1/2 teaspoon जो है वो हमने टर्मरिक पाउडर का लेना है, 3/4 जो है वो गार्लिक ले लें, 1 inch जिंजर का पीस ले लें, अनियंस को जो है वो हमने पील करके और इस तरह पर कट लगाकर और स्लाइस कर लेना है, बारीक बारीक इसको काट लें, चूंकि हमने इस कीमे को तो प्रेशर देना नहीं है, और प्याज जो है वो इन ममालिक का गलता नहीं। अब अपने वॉक में जो है वो आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लें और उसमें ये जो काटे हुए अनियंस थे उसको ऐड कर दें। जब तक हमारे अनियंस जो है वो पिंक होते हैं, हमने ये थोड़ी सी और तैयारी करनी है कि हमने टोमेटो जो है उसको स्लाइस कर लेना है, और साथ ही हमने जिंजर और गार्लिक जो है उसको पील करके उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको बारीक पीस लेना है, और हरी मिर्चें जो हैं उनको हमने काट लेना है। जितनी देर में हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं, जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्चें और टोमेटो वगैरह तैयार होते हैं, इतनी देर में हमारे अनियन जो हैं वो पिंक हो चुके होंगे। ये देखिए, हमने इसमें अब ये जो जिंजर और गार्लिक था उसको डाल दिया है, थोड़ा सा ये जो ग्राइंडर है इसको हमने पानी से रिंस किया है ताकि ये जिंजर गार्लिक जो है ये वेस्ट ना हो, और साथ ही जो मसाला था हमारा नमक मिर्च हल्दी धनिया और जीरा, इसको हमने अनियंस में ऐड कर देना है और इसको थोड़ा सा हिला लेना है। हमें ये बहुत ख्याल रहता है कि जो मसाला है नमक मिर्च वगैरह, ये बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में एकदम से आप ना डाल दें जब तक कि इसमें अदरक लहसुन वगैरह या थोड़ा सा पानी शामिल ना हो, क्योंकि हमें ये लगता है कि एकदम से जब हम ये मसाला पकते पकते तेल में डाल देंगे तो ये जल जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा हिला कर इसमें टोमेटोज डाल दें, थोड़े से टोमेटो उसको पकने दें 2-4 मिनट के लिए। जब आप देखेंगे ये लूज हो गए हैं थोड़े से, तो आपने इसमें मिंस डाल देना है, क्योंकि मिंस जो है उसने भी थोड़ा सा गलना है, वो अपना पानी भी निकालेगा और टोमेटोज का पानी भी होगा, तो वो जो है बड़े अच्छे से इस तरह पर तैयार हो जाएगा। इसको गाहे गाहे आप हिलाते रहें, और जब आप देखेंगे ये बिल्कुल रोस्ट हो गया है, इसके थोड़े थोड़े बिट्स जो हैं वो आपको ब्राउन ब्राउन दिखने लगे हैं, तो उस वक्त आपने जो इसमें हरी मिर्चें हैं काट के रखी हुई वो डाल देनी है, और साथ ही आपने फ्रेश कोरिएंडर जो है वो काट के डाल देना है। दुनिया में हमने देखा है कि हर दूसरा कोरिएंडर इस्तेमाल करने वाला जो है वो इसकी डंडियाँ जो है वो धनिए की वो फेंक देता है और सिर्फ पत्तियां तोड़ता है, लेकिन हम ये नहीं करते, क्योंकि हमारी नज़र में ये एक वेस्ट है, वो भी बहुत खुशबूदार होती हैं, धनिया ही है, खाने वाली चीज़ है, ज़ाया क्यों करनी, इसलिए हम वो भी डाल लेते हैं। अब जो है इसको हम हरी मिर्चों और धनिए के साथ थोड़ा सा हिला लेंगे, 1-2 मिनट इसको पकने देंगे, इसके बाद आपने स्टोव की जो हीट है उसको बंद कर देना है। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही लजीज कीमा जो है वो तैयार है, फ्रेश प्लेन योगर्ट और गर्म गर्म रोटियों के साथ गर्मियों की दोपहरों में ये कीमा बहुत मज़ेदार लगता है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपको ये रेसिपी पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।